Hi friends, welcome to my channel Srinivas Gollapelli. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you. Hi friends, welcome to my channel Srinivas Gollapelli. आज इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं स्टैंडर्ड 5th में 2021 का स्कॉलरशिप पेपर 1. इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 25 यानी कि सेक्शन 1 इंग्लिश का सॉल्यूशन बताया है. आज इस वीडियो में मैं आपको सेक्शन 2 यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 75 जो कि मैथ्स होता है उसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन बताने वाला हूं. फ्रेंड्स, स्कॉलरशिप एग्जाम में कभी कभी हम स्टेप्स को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं. कुछ आंसर्स ऐसे होते हैं जो हम लॉजिक यूज़ करके भी लिख सकते हैं. फिर भी जितना हो सके उतना मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सॉल्यूशन जो है वो स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ. क्वेश्चन नंबर 26, हाउ विल यू राइट 500 इन रोमन न्यूमरल्स. अब यहाँ पे चार ऑप्शन दिया है, तो ये जो है स्पेशल नंबर 50, 100, 500 और 1000, इनको याद करने के लिए एक सिंपल शॉर्टकट मेथड है जो हम पढ़ेंगे LCDM यानी कि LCD मॉनिटर. ये जो है ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है, L 50, C 100, D 500, M 1000. सो यहाँ पे D जो है वो 500 है. सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन 10.345. सो जब हमें प्लेस वैल्यू लिखना है, जो पर्टिकुलर डिजिट का हमें प्लेस वैल्यू लिखना है वही हम लिखेंगे, बाकी हम ज़ीरो में लिखेंगे. तो जब हम देखेंगे 00.040, इसको करेक्ट फॉर्म रहेगा 0.04. सो ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 28, इफ़ बॉक्स 2575 माइनस बॉक्स 836 इक्वल टू 28739. यानी कि ये दो नंबर को माइनस करने से हमें आंसर मिला है 28739. देन विच डिजिट विल बी इन द बॉक्स. ये जो बॉक्स में सेम डिजिट रिपीट होने वाला है, तो इसके लिए हमें ये सॉल्व करना है. सो बॉक्स 2575, अब यहाँ पे ये 4 डिजिट नंबर है, सो यहाँ पे बॉक्स आएगा 836. हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, 5 - 6 नॉट पॉसिबल, सो यहाँ से हम 12 करेंगे, 15 - 6 9, 6 - 3 3, 5 - 8 अगेन नॉट पॉसिबल, तो यहाँ से 12 हो जाएगा, 15 - 8 7. अब यहाँ पे 1 है और यहाँ पे जो भी डिजिट रहेगा वो 1 से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे, तो हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा 8. सो यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा वो 2 से बड़ा रहेगा और हम यहाँ से 12 करेंगे, तो ये हो गया है 11. और यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 3 होगा. सो 11 - 3 8, और यहाँ पे भी 3 रहेगा, 3 ने यहाँ पे 12 किया है तो ये 2 हो गया है और ये 2. सो बॉक्स में 3 आएगा, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 29, इफ लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ एन एंगल आर इंक्रीज्ड देन हाउ डज इट अफेक्ट द मेजर ऑफ द एंगल. एक एंगल है, इनके लेंथ को इंक्रीज किया है, एंगल का मेजरमेंट कुछ इंक्रीज नहीं हुआ है, सिर्फ लेंथ जो है वो इंक्रीज हुआ है. सो इसका क्या इफेक्ट हो सकता है? मेजर ऑफ द एंगल इंक्रीजेस, मेजरमेंट एंगल इंक्रीज नहीं होगा, और ये लेंथ बड़ा होने से या छोटा होने से एंगुलर मेजरमेंट में कोई डिफरेंस नहीं आता है, ये ना इंक्रीज होता है ना डिक्रीज होता है. सो फर्स्ट ऑप्शन फॉल्स रहेगा, मेजर ऑफ द एंगल डिक्रीजेस ये भी फॉल्स रहेगा, मेजर ऑफ द एंगल रिमेन्स द सेम ये करेक्ट है, मेजर ऑफ द एंगल इज डबल्ड ये फॉल्स है. सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 30, अब यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन दिया है और हमें सॉल्व करके उसका आंसर फाइंड आउट करना है. सो 5 3/7, इसको जब रेगुलर फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 7 + 3.
upon 7 plus 6 into 7 plus 4 upon 7. So this is 5 into 7, 35. 35 plus 3, 38. 38 upon 7. 6 into 7, 42. 42 plus 4, 46. 46 upon 7. जब हम देखेंगे यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो हम यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर लेंगे और ये दोनों को प्लेस करेंगे. सो 8 प्लस 6, 14. 1 प्लस 4, 5. 5 प्लस 3, 8. 84 अपॉन 7. इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे. 7 वन ज़ा 7, 7 वन ज़ा 7, 1 और 4, 14. 7 टू ज़ा 14. सो ये आंसर है 12. सो ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 31. राइट द नंबर इन फिगर्स. 8 अब्जा. अब्जा मीन्स 100 करोड़. सो 8 अब्जा जो रहेगा वो 800 करोड़ रहेगा. 800 करोड़, 80,808. सो जब हम प्लेस वैल्यू काउंट करेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख्स, 8 करोड़ ये नहीं है. यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ ये भी नहीं है. यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ ये भी नहीं है. यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़. सो 100 करोड़ में एक ही ऑप्शन है, तो यही करेक्ट आंसर रहेगा. 800 करोड़, 80,808. दिस इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 32. लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 2.5 सेंटीमीटर. रेडियस जो है वो 2.5 सेंटीमीटर है. एंड लेंथ ऑफ ए कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज 3 सेंटीमीटर. कॉर्ड का लेंथ है 3 सेंटीमीटर. व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इन सेंटीमीटर. अब सर्कल का लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होता है वो डायमीटर होता है. अब यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन है सिर्फ यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दिया है. यहाँ पे रेडियस दिया है, हमें लॉन्गेस्ट कॉर्ड, लॉन्गेस्ट कॉर्ड यानी कि डायमीटर फाइंड आउट करना है. और डायमीटर जो होता है वो हमेशा रेडियस का डबल होता है. सो 2.5 का डबल जो रहेगा वो 5 सेंटीमीटर. सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 33. हाउ मेनी कंपोजिट नंबर लाइ बिटवीन 1 to 100. अब मैंने एक वीडियो बनाया है प्राइम नंबर्स के बीच में, ये आप ज़रूर देख लीजिए. 1 to 100 के जितने भी प्राइम नंबर है वो आप लोगों को याद रहना चाहिए. और 1 to 100 में प्राइम नंबर्स होते हैं टोटल 25. और 1 जो नंबर होता है वो ना प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है. तो प्राइम नंबर और एक नाइदर प्राइम नर कंपोजिट, ये दोनों को अगर हमने लिया तो ये हो गया है 26. सो 100 में से 26 हम माइनस करेंगे, 74 जो है वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं. सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. 34. व्हाट टाइप ऑफ एंगल विल बी फॉर्म्ड इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. जब दो लाइन एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं तो हमेशा राइट एंगल बनता है. सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 35. इफ द नंबर्स 32,996, 39,296, 2,29,997, 39,096 आर रिटेन इन डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि बड़े नंबर से छोटा नंबर हमें लिखना है. तो ये जो नंबर है ये बड़ा है, तो ये सबसे पहला आएगा. फिर 32,000, 39,000, 39,000, ये दोनों में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 2 है हंड्रेड प्लेस में, यहाँ पे 0 है. तो ये नंबर सेकंड ग्रेटर है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है. तो जब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे पहले हम ये नंबर लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये और ये. व्हाट विल बी द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड नंबर. अब फर्स्ट नंबर ये है और थर्ड नंबर ये है, ये दोनों को हम प्लेस करेंगे, फिर देखेंगे आंसर कितना आता है. अब मैंने दोनों नंबर को यहाँ पे लिख दिया है. अब ये दोनों का हम एडिशन करेंगे क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है
sum. 6 plus 7, 13. 1 plus 9, 10. 10 plus 9, 19. 1 plus 9, 10. 10 plus 0, 10. 1 plus 9, 10. 10 plus 9, 19. 1 plus 2, 3. 3 plus 3, 6. 2. So, जब हम ऑप्शन में देखते हैं, फर्स्ट जो है ये हमारा ऑप्शन से मैच हो रहा है. सो ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर. 36. इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल शेप्ड गार्डन इज 88 मीटर. एक सर्कल है जिसका सर्कमफ्रेंस 88 मीटर है. स्वरा टेक्स 5 राउंड्स टू द गार्डन डेली. देन हाउ मच डिस्टेंस डज शी कवर इन ए वीक. एक सर्कमफ्रेंस यानी कि एक राउंड का 88 मीटर हो गया है. डेली स्वरा लेती है 5 राउंड्स. सो पर डे 88 इंटू 5 टोटल हमें फाइंड आउट करना है इन ए वीक. अब सर्कमफरेंस एक राउंड गार्डन का एक राउंड यानी कि एक बार हम सर्कमफरेंस कंप्लीट कर रहे. सो एक दिन में 5 राउंड्स ऐसे टोटल 1 वीक में यानी कि 7 डेज में टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगी. सो ये दोनों को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे. 5 एट ज़ा 40 40 प्लस 4 44 इंटू 7 7 इंटू 0 0 7 फोर ज़ा 28 2 कैरी 7 फोर ज़ा 28 प्लस 2 30 ये हो गया है 3080 मीटर. लेकिन ऑप्शन में जो भी है वो सब किलोमीटर में है. सो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. जब हम मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से हम डिवाइड करते हैं. और जब हम 1000 से डिवाइड करते हैं सिर्फ यहाँ पे 1 के बाद 3 जीरो से. सो स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट्स प्लेस 3 डिजिट के बाद हम डेसिमल पॉइंट रखेंगे. सो दिस इज 3.08 किलोमीटर. सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. 37. By how much is the sum of biggest 5-digit number and biggest 2-digit number is greater than the smallest 3-digit number? हमें पहले लिखना है biggest 5-digit number, फिर लिखना है biggest 2-digit number, फिर smallest 3-digit number. और दिया है how much is the sum of biggest 5-digit and biggest 2-digit. ये दोनों number को हम place करेंगे और इसमें ये नंबर को ये सम में से सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा. बिगेस्ट 5 डिजिट नंबर ये है एंड बिगेस्ट 2 डिजिट नंबर 99. दोनों को हम प्लेस करेंगे. 9 प्लस 9 18. 1 प्लस 9 10. 10 प्लस 9 19. 1 प्लस 9 10. 1 प्लस 9 10. 1 प्लस 9 10. अब इस एडिशन में से हम स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर को सब्ट्रैक्शन करेंगे. स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 100. सो 8 9. 0 माइनस 1 पॉसिबल नहीं है तो बारो करेंगे. तो एक्सट्रीम राइट से हम बारो करेंगे तो ये हो गया 0 9 9. 10 माइनस 1 9 9 9. अब ये 0. सो By how much is the sum of the biggest 5-digit number and biggest 2-digit number is greater than smallest 3-digit number? So option 2 is the correct answer. Question number 38. Pradeep bought a mobile for rupees 22 and a half thousand and sold the same for rupees 19,800. अब ये जो amount है words में दिया है तो पहले हम इन्हें numbers में लिखेंगे. कॉस्ट प्राइस क्या है 22 एंड हाफ थाउजेंड यानी कि 22,500. सेलिंग प्राइस है 19,800 एंड 70. अब यहाँ पे लॉस हुआ है तो हाउ मच इज द लॉस. तो ये दोनों को सब्ट्रैक्शन करेंगे. 0 माइनस 0 0. 0 माइनस 7 नॉट पॉसिबल है तो यहाँ से बारो हो जाएगा. 10 माइनस 7 3. 4 माइनस 8 अगेन नॉट पॉसिबल तो यहाँ से बारो हो जाएगा. 14 माइनस 8 6. 1 माइनस 9 नॉट पॉसिबल तो बारो हो जाएगा. 11 माइनस 9 2. 1 माइनस 1 0. सो 2630.
तो ऑप्शन थ्री इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 39. 4 upon 3 plus 4 upon 3 plus 4 upon 3 1 2 3 4 5 6 टाइम्स हमें प्लेस करना है. तो हम 6 बार प्लेस करने से अच्छा हम करेंगे 6 से मल्टीप्लाई. 3 1 3 2 सो दिस इज 4 into 2 4 into 2 is 8. सो ये 6 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करेंगे हमें आंसर मिलेगा 8. सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 40. स्वर्धा डिपॉजिटेड रुपीज 25,000 इन ए बैंक एट ए रेट ऑफ 8 PCPA फॉर 6 years. हाउ मच इंटरेस्ट विल शी रिसीव आफ्टर 6 years. ये जो है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करके हम फाइंड आउट करेंगे. यहाँ पे डिपॉजिटेड प्रिंसिपल, सो डायरेक्टली मैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखूंगा. सो प्रिंसिपल इज 25,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8 PCPA एंड पीरियड इज 6 years अपॉन 100. सो ये दो जीरो और ये दो जीरो कट हो गया है. 8 into 0 0, 8 5 40, 8 2 16 16 plus 4 20, 20 into 6, सो 2 into 6 करेंगे 12 और ये 3 zeros हम लिख देंगे. सो इंटरेस्ट इज 12,000. हाउ मच इंटरेस्ट विल शी रिसीव आफ्टर 6 years. सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 41. इफ द फ्रैक्शन 7 upon 9 5 upon 9 2 upon 9 8 upon 9 आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर देन व्हाट विल बी द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड फ्रैक्शन इन दैट अरेंजमेंट. अब यहाँ पे ये जो चार फ्रैक्शन दिया है इन्हें हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. अब जब हम देखेंगे तो सबका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, और जब डिनोमिनेटर सेम होता है एक रूल होता है कि स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर इज द स्मॉलर फ्रैक्शन. जो न्यूमरेटर छोटा है वो स्मॉलर फ्रैक्शन रहेगा और जो न्यूमरेटर ग्रेटर नंबर है वो ग्रेटर फ्रैक्शन रहेगा. तो जब इन्हें हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो 2 upon 9 फर्स्ट आएगा, देन 5 upon 9, 7 upon 9 एंड 8 upon 9. अब हमें क्या करना है, फर्स्ट एंड थर्ड फ्रैक्शन को ऐड करना है. ये फर्स्ट फ्रैक्शन है और ये थर्ड फ्रैक्शन है. ये जब दोनों को हम ऐड करेंगे 2 upon 9 plus 7 upon 9 सेम डिनोमिनेटर तो कॉमन लेंगे, 2 plus 7 9 9 upon 9 is 1. सो इसका जो फाइनल सम रहेगा फर्स्ट एंड थर्ड फ्रैक्शन का दैट इज 1. ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 42. व्हाइल राइटिंग द नंबर 70,00,007 इन फिगर्स ईश्वरी रोट 10 लेस बिटवीन 2 sevens, देन बाय हाउ मच इज द नंबर दैट ईश्वरी रोट इज मोर आर लेस देन गिवन नंबर. अब ये सारे जो क्वेश्चन है जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हम इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं. सो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है, एक नंबर है 70,00,007. ये जो एक्चुअल नंबर है वो हमें पहले लिख लेना है 70,00,007. सो यूनिट्स टेंस 100,000 10,000 lakhs 7 lakhs, ये ओरिजिनल नंबर है. और ईश्वरी ने क्या किया है, 10 लेस बिटवीन 2 sevens, ये दोनों 7 के बीच में एक जीरो कम कर दिया है, तो उसने जो नंबर लिखा है वो ऐसा है. अब ऑब्वियसली ये जो नंबर ईश्वरी ने लिखा है वो ओरिजिनल नंबर से स्मॉलर है. देन हाउ मच इज द नंबर दैट ईश्वरी रोट इज मोर आर लेस देन द गिवन नंबर. तो जो भी ईश्वरी ने लिखा है वो नंबर लेस है, तो हमारा ऑप्शन जो है वो लेस में रहेगा, यानी कि ये दोनों में से एक रहेगा. तो जब हम इसे सब्ट्रैक्शन करेंगे इनमें से एक हमें आंसर मिल जाएगा. 7 minus 7 0 0 0 0 0, 10 minus 7 3 6. सो दिस ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 43. विच इज द बिगेस्ट फ्रैक्शन अमंग द फॉलोइंग. यहाँ पे चार फ्रैक्शन दिया है, इनमें से जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन है वो हमें फाइंड आउट करना है. जब हम ये चारों फ्रैक्शन को देखते हैं चारों का न्यूमरेटर सेम है,
जब हम क्वेश्चन नंबर 41 सॉल्व किए थे वहाँ पे डिनोमिनेटर सेम था, और रूल ये था कि जब डिनोमिनेटर इक्वल रहेगा न्यूमरेटर में जो स्मॉलर न्यूमरेटर है वो फ्रैक्शन स्मॉलर है, सिंपल। लेकिन जब यहाँ पे न्यूमरेटर इक्वल है रूल चेंज हो जाता है, डिनोमिनेटर जो स्मॉलर है वो फ्रैक्शन ग्रेटर हो जाता है और डिनोमिनेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन छोटा हो जाता है। तो यहाँ पे 8 जो न्यूमरेटर है चारों का वो सेम है, यहाँ पे 8/10 है और यहाँ पे 8/10,000 है। सो 10,000 बड़ा डिनोमिनेटर है तो ये फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा, और 10 ये चारों में स्मॉलर नंबर है तो ये एक फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। सो यहाँ पे ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। तो रूल हमें अगर याद है तो ये हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। एक्स वाई वाई जेड प्लस एक्स जेड जेड वाई, जब दोनों को ऐड करेंगे वाई 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 वाई, इनकी हमारा आंसर जो है ये एक ही डिजिट चारों टाइम रिपीट होने वाला है। सो विच डिजिट्स विल बी देयर फॉर एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन में पहला नंबर एक्स रहेगा, दूसरा नंबर वाई रहेगा और तीसरा जो डिजिट रहेगा वो जेड रहेगा, तीनों में यही है। सो हम यहाँ पे इजी मेथड ये है कि हम एक्चुअली नंबर्स को सब्स्टिट्यूट करके चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए हमें सिर्फ ये यूनिट्स प्लेस का हम चेक करते हैं। जेड प्लस वाई वाई आना चाहिए, सो 3 + 0 = 3 यानी कि वाई आ रहे, तो ये एक पॉसिबल हो सकता है। 4 + 2 = 6 आ रहे, तो ये नहीं है। 6 + 2 = 8 आ रहे, ये भी नहीं है। 8 + 0 = 8 वाई आ गया है, तो ये भी हो सकता है। यानी कि हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है, या तो ऑप्शन 1 या तो ऑप्शन 4। अब हमें ये सब्स्टिट्यूट करके ही चेक करना है जो इजीली हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एक्स वाई जेड के जगह पे 4 + 3 = 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये जो नंबर हो जाएगा ये 4 + 3 = 0 = 4 + 0 = 3 यानी कि ये एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड जेड वाई ये मैंने सब्स्टिट्यूट किया है। जब हम सॉल्व करते हैं 3 3 3 8, यहाँ पे चारों डिजिट सेम आना चाहिए लेकिन यहाँ पे ये गलत आ गया है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। तो पहला नहीं है, दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, तीसरा ऑप्शन भी नहीं है, तो चौथा ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। सॉल्व करने का भी ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे डायरेक्टली फोर्थ को टिक कर सकते हैं जब पेपर सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये भी मैं आपको सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करके आंसर बताता हूँ। तो जब हम सॉल्व सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 8 = 0 = 4 + 0 = 8। अब जब एडिशन करते हैं 8 + 8 = 8 यानी कि ये सारे जो है ये वाई आ गया है। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45। इन ए ट्रांजैक्शन द कॉस्ट प्राइस इज रुपीज 3280 एंड द सेलिंग प्राइस इज रुपीज 3470। फाइंड आउट वेदर द ट्रांजेक्शन हैड प्रॉफिट और लॉस एंड बाय हाउ मच। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिया है और सेलिंग प्राइस दिया है, हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अगर प्रॉफिट हुआ तो कितने से प्रॉफिट हुआ है, अगर लॉस हुआ है तो कितने से लॉस हुआ है। तो पहले हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को डिजिट्स में लिखते हैं। सो कॉस्ट प्राइस है 3280, सेलिंग प्राइस है 3470। तो सेलिंग प्राइस जो है वो बड़ा है और कॉस्ट प्राइस जो है वो स्मॉलर है। तो जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा रहता है यहाँ पे प्रॉफिट होता है, तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, तो हमारे ये 1 और 3 दोनों में से एक करेक्ट होने के चांसेस है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्शन करेंगे, ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, SP माइनस CP।
190 प्रॉफिट. सो ऑप्शन थ्री 190 है. सो ऑप्शन थ्री इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 46. विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट्स द फ्रैक्शन 12/60. अब इनमें से कौन सा ये फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है? तो सबसे पहले इसे हम सिंपल फ्रैक्शन में लिखेंगे. 12 ones are 12, 12 5 are 60. सो सिंपल फ्रैक्शन है 1/5. अब जब हम ये देखेंगे, ये है 1/4. सेकेंड, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5. सो ये हो गया है 1/5. तो यही आंसर हमारा करेक्ट रहेगा. फिर भी हम ये सब लिख के देखते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो ये हो गया है 2/8, यानी कि इसका फाइनल आंसर अगेन 1/4 है. और ये हो गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 3/8. सो ऑप्शन टू इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये 1/5 है. क्वेश्चन नंबर 47. फाइंड द अल्टरनेटिव विच डज नॉट फॉल इन दैट ग्रुप. यहाँ पे चार प्रॉब्लम्स दिया है, इनमें से जो ग्रुप में नहीं है, जो अलग है, वो हमें फाइंड आउट करना है. तो इस सॉल्यूशन इसके ऑप्शन के लिए हमें ये चारों प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करके ही देखना है. फर्स्ट, 7 × 7 / 7 × 5. अब ये जो है ये बॉर्डमॉस रूल के ऊपर है. तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन, 7 × 7 = 49 / 7 × 5. 49 / 7 = 7, 7 × 5 = 35. सो ये ट्रू है. 12 − 3 − 5 + 10 = 14. अब हम ये सॉल्व करेंगे. 12 − 3 = 9. 9 − 5 + 10, लेफ्ट हैंड साइड 9 − 5 = 4. 4 + 10 = 14. सो लेफ्ट हैंड साइड 14, राइट हैंड साइड 14, ये भी ट्रू है. अब हम ऑप्शन 3 को चेक करेंगे. 5 × 3 + 4 × 2 = 70, लेफ्ट हैंड साइड. 5 × 3, पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बॉर्डमॉस रूल फॉलो करेंगे, प्लस 4 × 2. अब वापस ये मल्टीप्लिकेशन हम पहले करेंगे. 4 × 2 = 8. 15 + 8 = 23. यहाँ पे 70 है और यहाँ पे 23 आया है, ये गलत है. तो हमारा ऑप्शन 3 जो रहेगा वो करेक्ट अल्टरनेटिव रहेगा. फिर भी हम चौथा सॉल्व करते हैं. 10 − 2 × 3 + 5 = 9. सो लेफ्ट हैंड साइड पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 10 − 2 × 3 = 6 + 5. 10 − 6 = 4, 4 + 5 = 9. ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है. सो ऑप्शन 1, 2 और 4 ये करेक्ट आंसर है. सिर्फ ऑप्शन 3 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है. तो यहाँ पे ऑप्शन 3 जो रहेगा वो आंसर रहेगा. रोशनी स्टार्टेड हर स्टडीज एट 11:30 इन द मॉर्निंग एंड फिनिश्ड एट 1/4 to 2. फॉर हाउ मच टाइम डिड शी स्टडी. अब ये जो टाइम है ये हम 24 आवर्स के फॉर्मेट में लिखेंगे. 11:30 को स्टार्ट किया है एंड फिनिश्ड एट 1/4 to 2. 1/4 to 2, 1/4 to 2 यानी कि एक्चुअली आफ्टरनून 1 hour 45 minutes होता है. जब इसे हम 23 आवर्स फाटर में लिखते हैं तो ये हो जाएगा 13 hours 45 minutes. और रोशनी ने स्टार्ट किया है स्टडी 11:30. अब दोनों को सब्ट्रैक्शन करेंगे, 2 hours 15 minutes. सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 49. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बिगेस्ट 3-digit इवन नंबर एंड द बिगेस्ट 2-digit प्राइम नंबर. अब जैसे मैंने इससे पहले भी आपको बोला कि जितने भी प्राइम नंबर से 1 to 100 ये आपको 62 होना चाहिए, तो ही आप ये प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. नहीं तो आप प्राइम नंबर, बिगेस्ट 2-digit प्राइम नंबर ढूंढते ढूंढते आपका सारा टाइम जो है वो वेस्ट हो जाएगा.
सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बिगेस्ट थ्री डिजिट इवन नंबर? अब यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बिगेस्ट थ्री डिजिट नंबर होता है 999, लेकिन ये ऑड नंबर है, हमें फाइंड आउट करना है बिगेस्ट थ्री डिजिट इवन नंबर जो होगा 998, ये बिगेस्ट थ्री डिजिट इवन नंबर है। एंड बिगेस्ट टू डिजिट प्राइम नंबर, बिगेस्ट टू डिजिट प्राइम नंबर जो होता है वो 97 है। अब डिफरेंस यानी कि दोनों का सब्ट्रैक्शन, 8-7 1, 9-9 0, 9, सो डिफरेंस इज 901। ऑप्शन टू इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, वन ऑफ द जिला परिषद स्कूल्स हैव 60% गर्ल्स आउट ऑफ 120 में 60% गर्ल्स है, एंड ए प्राइवेट सेकेंडरी स्कूल ऑफ द सेम विलेज है 55% गर्ल्स आउट ऑफ 200 में से 55% गर्ल्स है। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन दैट विलेज गोइंग टू स्कूल। अब ये प्रॉब्लम जो है परसेंटेज का प्रॉब्लम है, यहाँ पे हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है, यहाँ पे भी परसेंटेज से हमें नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड आउट करना है और दोनों को ऐड करना है, तब हमें आंसर मिलेगा। तो सबसे पहले हम जगपी स्कूल का परसेंट नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड आउट करेंगे। सिक्सटी परसेंटेज ऑफ 120, यानी कि ऐसे हम लिखेंगे 60/100 इंटू 120। अब यहाँ पे 1010, यहाँ पे 1010, सो 6 × 12 72 जेडपी के स्कूल में। सेम हम फाइंड आउट करेंगे प्राइवेट सेकेंडरी स्कूल, दैट इज 55% ऑफ टोटल 200, सो दैट इज 55/100 इंटू 200, सो 55 × 2, 2 5 10, 2 5 10 प्लस 1 11, सो प्राइवेट स्कूल में 110 है, जेडपी स्कूल में 72 है, दोनों को हम प्लस करेंगे 182, सो ऑप्शन 3 182, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 6¾,000 टू गेट द बिगेस्ट टू डिजिट नंबर? बिगेस्ट टू डिजिट नंबर इज 99, 6¾,000, 6000, 3/4 यानी कि 750, सो ये नंबर में से कौन सा नंबर हम अगर माइनस करते हैं तो ये मिलेगा, तो इसके लिए हमें यही दो नंबर को माइनस करना है। सो 6750 -99, 10-9 1, 4-9 नॉट पॉसिबल, अगेन हम बारो करेंगे, 14-9 5 6 6, सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, जूली कलेक्टेड ₹10 डेली इन हर मनी बैंक फ्रॉम 12th मे टू 26 जून, also she added ₹100 given by her uncle and ₹240 given by her father to buy a cake for her birthday, she donated the total amount to chief minister relief fund, how much money did she donate to the chief minister relief fund? तो सबसे पहले हमें 12th में से 26 जून के डेज काउंट करना है, क्योंकि पर डे ₹10 उसने कलेक्ट किया था। सो 12th में मई में कितने टोटल डेज होते हैं? 31। जूली ने स्टार्ट किया है 12 से, तो हम 11 डेज माइनस करेंगे, तो मई में 20 डेज, जून में 26 डेज, सो 20 + 26 = 46 × 10, यानी कि टोटल पर डे 460, पर डे ₹10 के हिसाब से उसने 460 कलेक्ट किया है, ₹100 गिवेन बाय हर अंकल एंड 240 गिवेन बाय हर फादर, ये भी हम ऐड करेंगे, 0 4 + 6 = 10, 1 + 4 = 5, 5 + 1 = 6, 6 + 2 =
8. So rupees 800. Option 3 is the correct answer. Question number 53. Jeevan went to a bank with two notes of each rupees 50, rupees 100 and rupees 500. So 50 rupees ke two notes, 100 rupees ke two notes and 500 rupees ke two notes. So 50 into 2 is 100, 100 into 2 is 200, 500 into 2 is 1000, total 1300 rupees. And he asked for notes of rupees 20 in return. How many notes of rupees 20 will he receive? So हम क्या करेंगे यहाँ पे 1300 जो total amount है इसे हम 20 से divide करेंगे. 20 into 6 120, 20 into 5 is 100. So option 2, 65 is the correct answer. Question number 54. Find such a number which when multiplied by itself, the product we get is equal to the product of all the divisors of 27. एक number है, जब वो खुद को multiply करेगा, let the number is x. जब वो खुद को मल्टीप्लाई कर रहे दैट मीन्स एक्स स्क्वेयर वी गेट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डिवाइजर्स ऑफ 27. अब 27 के डिवाइजर्स है 1, 3, 9 and 27. सो प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज नंबर्स. तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बल्कि स्क्वेयर रूट ऑफ ये नंबर मल्टीप्लाई करेंगे. सो स्क्वेयर रूट ऑफ जब हम फाइंड आउट करेंगे तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे. 9 इज रिटन एज 3 into 3, 27 इज रिटन एज 3 into 3 into 3, 1 को हम निकाल देते हैं. सो दिस इज 1 पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर. सो 3 into 3 into 3, जब हम यहाँ पे स्क्वेयर हो रहे और स्क्वेयर रूट है ये कैंसिल हो जाएंगे, हम एक 3 बाहर आ जाएगा. 3 3 9 9 3 27. सो आंसर इज ऑप्शन 2. क्वेश्चन नंबर 55. सॉल्व 27 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6 इंटू 5 इक्वल टू. सो ये हम बॉर्डमास रूल यूज करके मल्टीप्लाई करेंगे. तो पहले डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन जो सबसे पहले आता है वो हम पहले वो करेंगे. सो 6 into 5 30. सो जब इसे हम सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6 into 5 30. अब हम ये डिवीज़न करेंगे, 27 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे 9 प्लस 30 इज 39. सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 56. धनेश बॉट 1.25 meter ऑफ क्लोथ. 1.25 meter, 1 meter and quarter, that is 1.25 meter for pants, and 1.75 meters of cloth for shirt. 3/4 means 75. So 1.75 for shirt. How much meter of cloth did he buy? दोनों को हम place करेंगे. 5 + 5 = 10. 1 + 2 = 3, 3 + 7 = 10. So this is 3 meter. Option 1 is the correct answer. Question number 57. ये जो है ये हम logic use करके solve करेंगे. Soham was born on 15 June 2011, which was Thursday. Which was the day on his 5th birthday? अब 2011 उसका birth हुआ है. So 2012 में उसका फर्स्ट बर्थडे रहेगा. सेकेंड बर्थडे 2013, थर्ड बर्थडे 2014, फोर्थ बर्थडे 2015 एंड फिफ्थ बर्थडे 2016. सो 15 जून 2016 में उसका फिफ्थ बर्थडे होगा. अब ये जो डेज होता है एवरी ईयर ये जो डेज है ये एक स्टेप आगे जाता है. यानी कि अगर 1st जनवरी 2011 अगर मंडे को रहेगा
तो 1 जनवरी 2012 जो है वो ट्यूसडे को आएगा, यानी कि एक दिन से डे जो है वो आगे बढ़ता है। बट अगर कोई लीप ईयर है, हम जनरली जानते हैं कि एक साल में 365 डेज होते हैं, लेकिन लीप ईयर में 360 डेज होते हैं, क्योंकि फरवरी में 29 भी आ जाता है। तो जब लीप ईयर रहेगा तब ये जो डेज है ये एक के जगह पे दो डेज आगे जाएगा। तो जब 2012 में वन, सो यहाँ पे ईयर अगर हम सिर्फ देखेंगे तो 2012 के लिए वन, 13 के लिए टू, 14 के लिए थ्री, 15 के लिए फोर और 16 के लिए फाइव जाएगा। लेकिन 2012 जो है वो लीप ईयर है, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डे आ जाएगा। 2016 भी लीप ईयर है और जून जो है वो फरवरी के बाद आता है, तो यहाँ पे भी हम एक दिन ऐड करेंगे। सो टोटल उसके डेज आगे जो जाता है वो 5 + 1 = 6, 6 + 1 = 7। तो थर्सडे के बाद जो सेवन्थ डे भी होता है वो वापस थर्सडे ही होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन टू रहेगा, क्योंकि फ्राइडे वन, सैटरडे टू, संडे थ्री, मंडे फोर, ट्यूसडे फाइव, वेनसडे सिक्स और थर्सडे जो है वो सेवन्थ है। तो अगेन 6 ईयर्स के बाद उसका बर्थडे जो है वो थर्सडे को ही रिपीट हो जाएगा। ये थोड़ा सा आपको समझना मुश्किल है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रॉब्लम्स आपको प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको ये जो मेथड है ये समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द शेडेड पोर्शन इन द फॉलोइंग डायग्राम। शेडेड है 2 और टोटल है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2/8। 2/8 को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4। हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारा 4 नहीं 100 आना चाहिए। तो 4 को जब हम 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 100 होता है, तो 1 को भी हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 25/100, दैट इज 25%। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 10 सेंटीमीटर। ए स्क्वेयर ऑफ पेरीमीटर सेम एज टू द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ड्रॉन, व्हाट विल बी द साइड ऑफ द स्क्वेयर। अब यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी कि तीनों साइड जो है वो इक्वल है और हर साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर है। सो यहाँ पे जब हम पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल का, सम ऑफ द थ्री साइड्स, तो 10 + 10 + 10 30 सेंटीमीटर पेरीमीटर है। ए स्क्वेयर ऑफ पेरीमीटर सेम एज टू द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ड्रॉन, जो स्क्वेयर हमने ड्रॉ किया है तो ये स्क्वेयर का पेरीमीटर भी इक्वल टू इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी कि 30 सेंटीमीटर है। और पेयर ऑफ स्क्वेयर का फॉर्मूला होता है 4 × साइड। हमें फाइंड आउट करना है साइड ऑफ द स्क्वेयर, तो जब 30 सेंटीमीटर को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें साइड मिल जाएगा, 4 × 7 = 28, 2 डेसिमल पॉइंट लेंगे 20, 4 × 5 = 20, सो 7.5 इज द साइड ऑफ द स्क्वेयर। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 and 61, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद द पिक्टोग्राफ गिवेन बिलो। 1 boy = 25, सो फुटबॉल 1, 2, 3, 4, 25, 50, 75, 100, सो फुटबॉल के लिए 100 है। क्रिकेट के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 25 × 5 = 125, बास्केटबॉल के लिए 2 है, 25 × 2 = 50, कबड्डी के लिए 6 है, 25 × 6 = 150, खोखो के लिए 3 है, 25 × 3 = 75, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर ईच टाइप ऑफ गेम है। क्वेश्चन नंबर 60, हाउ मेनी टाइम्स आर कबड्डी प्लेयर्स टू द बास्केटबॉल प्लेयर्स। कबड्डी प्लेयर्स कितने हैं, 150, बास्केटबॉल प्लेयर्स कितने हैं, 50। तो कबड्डी के प्लेयर्स कितने टाइम्स, यानी कि कितने मल्टीप्लाई करेंगे तो कबड्डी के प्लेयर्स आएंगे, 50 × 3 करेंगे तो 150 आ जाएगा, सो आंसर इज 3 times, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 61, बाय हाउ मच इज नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स एंड बास्केटबॉल प्लेयर्स लेस देन
number of football players and kabaddi players, cricket players and basketball players, ये दोनों को हम add करेंगे. Cricket के players से 125 और basketball के players से 50, तो ये हो गए हैं 175. Football players and kabaddi players, football players 100 है और कबड्डी प्लेयर्स 150 है, ये हो गए है टोटल 250. अब ये जो क्रिकेट और बास्केटबॉल के प्लेयर कितने लेस है, तो हम माइनस करेंगे 250 और 175. ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 62. हाउ मेनी टाइम्स आर द नंबर ऑफ एजेस ऑफ ए क्यूबॉइड टू द नंबर ऑफ सर्फेसेस ऑफ ए क्यूबॉइड. अब क्यूबॉइड में एजेस होते हैं, सर्फेसेस होते हैं और वर्टेसेस होते हैं, ये हमें याद रखना है तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. अब मैं आपको ये जो क्यूब है, क्यूबॉइड है, ये जो बॉर्डर्स होते हैं वे एडजेस होते हैं और ये जो फेस होता है वो सरफेस है और जहाँ पे लाइंस मिल जाते हैं वो वर्टेक्स है. तो एक क्यूबॉइड में 12 एडजेस होते हैं और 6 सरफेसेस होते हैं और 8 वर्टिसेस होते हैं. अब यहाँ पे पूछे हैं नंबर ऑफ एडजेस टू द नंबर ऑफ सरफेसेस. एडजेस 12 है और सरफेसेस 6 है. सो नंबर ऑफ एडजेस कितने टाइम ज़्यादा होते हैं, 2 टाइम, यानी कि यहाँ पे डबल. सो ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 63. इन नाना पाटिल्स फार्म हाउस देर आर 300 सैक्स ऑफ ग्रेन्स आउट ऑफ विच 35% आर वीट, 20% सैक्स आर ऑफ जवार, 15% सैक्स आर ऑफ तूर दाल एंड रिमेनिंग आर द सैक्स ऑफ सोयाबीन्स. फाइंड द नंबर ऑफ सोयाबीन सैक्स एट द फार्म हाउस. सो यहाँ पे एक मेथड ऐसा है जहाँ पे हम 35% फाइंड आउट करेंगे, 20% फाइंड आउट करेंगे, 15% फाइंड आउट करेंगे और 300 में से माइनस करेंगे. तीनों को टोटल करके 300 में से माइनस करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो हमारा सैक्स ऑफ सोयाबीन से. और एक मेथड ये है कि हम ये वीट कितने हैं 35 और जवार कितने हैं 20, तो ये हम तीनों को प्लेस करेंगे. 35% प्लस 20% प्लस 15%, 35 प्लस 20 55 प्लस 15 70% है. अब ये 70% जो है ये यहाँ पे दिया हुआ है और रिमेनिंग 30% जो है वो सोयाबीन है, तो हम डायरेक्टली 30% ऑफ 300 फाइंड आउट करेंगे. तो 30% ऑफ 30 into 3 90. ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. या आप चाहा तो हर एक इंडिविजुअल प्लेस करके ऐड करके भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, बोथ द वे आपको आंसर यही मिल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 64. फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड टू फेंस 3 times द 2 sides ऑफ ए स्क्वेयर शेप्ड ग्राउंड हैविंग एरिया 144 स्क्वेयर मीटर. एक स्क्वेयर है, स्क्वेयर यानी कि चारों साइड इक्वल है. अब ये स्क्वेयर के सिर्फ 2 ही साइड है, इन्हें हमें फेंस करना है एंड दैट इज आल्सो 3 times. अब यहाँ पे साइड नहीं दिया है, क्या दिया है, एरिया दिया है. तो एरिया यूज करके हम साइड फाइंड आउट करेंगे, फिर दोनों साइड का लेंथ फाइंड आउट करेंगे, फिर उसको 3 times से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा. एरिया ऑफ स्क्वायर इज फॉर्मूला जो है वो साइड स्क्वायर है. साइड स्क्वायर इज 144. अब साइड का स्क्वायर 144 है, जब हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो 144 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 12, यानी कि एक साइड उतना हो गया है 12. अब हमें 2 side को फेंस करना है तो 2 side हो गया है 12 into 2 24. अब कितने टाइम हमें फेंस करना है, 3 time. 3 4 12, 3 2 6 plus 1 72.
अब 72 मीटर ये हमारा लेंथ ऑफ वायर रहेगा. सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 65. इन द मंथ ऑफ मे 2.25 लाख टूरिस्ट विजिटेड महाबलेश्वर. सो महाबलेश्वर 2.25 क्वार्टर लाख मीन्स क्वार्टर मीन्स होता है 250. सो 2.25 होगा 2,25,000 ये महाबलेश्वर को विजिट किए हैं. एंड 3 क्वार्टर लैक्स मीन्स यहाँ पे पूरा 1 लाख नहीं हुआ है, 1 लाख से कम है. 3 क्वार्टर लैक्स इज 75,000 अजंता वेरूल के उसको विजिट किए है. हाउ मेनी मोर टूरिस्ट विजिटेड महाबलेश्वर देन अजंता वेरूल के उस. जब ये दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा. सो 2,25,000 माइनस 75,000 5 माइनस 5 0 12 माइनस 7 5 1 सो 1,50,000 ऑप्शन 4 इज 1,50,000. सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 66. 552 मिनट्स इज इक्वल टू डैश आवर्स एंड डैश मिनट्स. अब यहाँ पे 552 मिनट्स दिया है, इन्हें हमें आवर्स में कन्वर्ट करना है. तो हमें मालूम है कि 1 आवर में 60 मिनट्स होता है. तो ये 552 मिनट्स को हम 60 से डिवाइड करेंगे. 60 9 9 6 54 9 0 0 सो 540 यहाँ पे 12 रिमाइंडर है. सो 9 आवर्स एंड 12 मिनट्स. ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. 2400 पेपर्स इज इक्वल टू डैश रिम पेपर्स. अब एक रिम में 480 पेपर्स होते हैं. अब यहाँ पे 2400 दिया है, तो 2400 को हम 480 से डिवाइड करेंगे. जीरो जीरो कट. 12 4 ज़ा 48 12 2 ज़ा 24 और ये ज़ीरो. 4 1 ज़ा 4 5 ज़ा सो जब हम डिवाइड करेंगे आंसर मिलता है 5. सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. 68. रामू परचेज्ड 45 लीटर्स ऑफ मिल्क विथ रेट 35 पर लीटर. तो पहले हमें ये दोनों का कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे. ही सोल्ड ऑल द मिल्क विथ प्रॉफिट ऑफ ₹315. जो भी कॉस्ट प्राइस आएगा उसे हम प्रॉफिट प्लेस करेंगे तो हमें मिलेगा सेलिंग प्राइस. सो 45 लीटर्स इंटू 35, तो ये दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 4 20, 20 प्लस 2 22, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, 12 प्लस 1 13. सो 1575 जो है वो कॉस्ट प्राइस है. अब हम इसे जब प्रॉफिट ऐड करेंगे 5 प्लस 5 10, 1 प्लस 7 8, 8 प्लस 1 9, 5 प्लस 3 8 1. सेलिंग प्राइस जो है वो 1890 है. फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ मिल्क पर लीटर. अब हमने जो टोटल 45 लीटर से वो सेलिंग प्राइस है 1890. हमें मिल्क पर सेलिंग प्राइस पर लीटर फाइंड आउट करना है. तो ये जो 1890 है, टोटल हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क है 45, इससे हम डिवाइड करेंगे. सो 1890 45, 5 9 ज़ा 45, 5 3 ज़ा 15, 18 माइनस 15 करेंगे 3, 3 और 9 39, 5 7 ज़ा 35, 39 में से 35 4, 4 और 0 40. सो यहाँ पे 8 आ गया है. 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, 18, 9 2 ज़ा 18, सो 42. ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 69.
A wire measuring 15 meter 50 centimeter was divided equally into 10 parts. What is the length of each part? 15 meter. 1 meter में 100 centimeter होता है. So 15 meter into 100. 1500 centimeter और 50 centimeter है. तो ये हम जब दोनों को प्लेस करते हैं 1550 सेंटीमीटर है. इसे 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है. तो जब 10 से हम डिवाइड करेंगे तो हर पार्ट कितना आ गया है 155 सेंटीमीटर. सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 70. आकाश परचेज्ड ए साइकिल फॉर रुपीज 3250 एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज 2375 आफ्टर ए ईयर. डिड ही मेक प्रॉफिट और लॉस एंड बाय हाउ मच. जब हम देखेंगे ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है. सो कॉस्ट प्राइस बड़ा है, सेलिंग प्राइस स्मॉलर है. तो यहाँ पे डेफिनेटली लॉस हुआ है. तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 तो नहीं होंगे. ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 में से एक हो सकता है. तो ये हम जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा. सो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस 0 माइनस 5 नॉट पॉसिबल तो बारो करेंगे. 10 माइनस 5 5 4 माइनस 7 अगेन नॉट पॉसिबल तो बारो करेंगे. 14 माइनस 7 7 1 माइनस 3 नॉट पॉसिबल अगेन बारो करेंगे. सो 11 माइनस 3 11 माइनस 3 8 2 माइनस 2 0. सो 875. ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. इफ क्वेश्चन नंबर 71. इफ डिवाइजर इक्वल टू 105, कोशेंट इज इक्वल टू 4250, रिमाइंडर इज इक्वल टू 75, देन डिविडेंड इक्वल टू. तो यहां पे हम यह फॉर्मूला यूज करेंगे. डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. सो डिवाइजर इज 105, कोशेंट इज 4250 प्लस रिमाइंडर इज 75. तो पहले हम ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लिकेशन थोड़ा बड़ा है, इसे हमें केयरफुली मल्टीप्लिकेशन करना है. 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 2 12, 5 इंटू 4 20, 20 प्लस 1 21. 0 है तो 0 इंटू एनी थिंग इज 0, तो सब में 0 आ जाएगा. 1, 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है. सो 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 5 5, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 4 4. अब हम प्लेस करेंगे. अब इसे रिमाइंडर हम प्लेस करेंगे. 7 प्लस 5 12, 1 प्लस 2 3, 6 4 4. तो जब हम ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 72. व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ द क्लॉथ परचेज्ड एट द रेट ऑफ रुपीज 52 पर मीटर फॉर 25 स्टूडेंट्स ईच रिक्वायरिंग 1.5 मीटर. रेट है 52 पर मीटर फॉर 25 स्टूडेंट्स एंड हर एक स्टूडेंट को कितना चाहिए 1.5 मीटर. सो 1.5 मीटर इज 1.5 मीटर इंटू 25 इंटू रेट पर मीटर 52. जब हम ये करेंगे तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगा. तो पहले हम ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं. 1.50 इंटू 25, 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 1 5, 5 प्लस 2 7, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 5 10, 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3. आप डायरेक्टली भी चाह तो कर सकते हैं. 2 डेसिमल के बाद डेसिमल पॉइंट है तो यहाँ पे आएगा. फिर अब इसे हमें 52 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 7 14, 14 प्लस 1 15, 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 1 7,
5 × 0 = 0, 5 × 5 = 25, 5 × 7 = 35 + 2 = 37, 5 × 3 = 15, 15 + 3 = 18। अब प्लेस करेंगे। After two decimal points, so ₹1950. Option one is the correct answer. Question number 73. Solve. तो ये भी हम Bodmer's rule use करके solve करेंगे. 7/4 × + 3/4 × 4/3. 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 4 × 1 = 4, 1 = 4, 1 = 4. तो इसे हम थोड़ा सा ट्रिकी यूज करेंगे, पूरा हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ 3 × 1 = 3 कैंसिल करेंगे, ये 4 को रखेंगे, क्योंकि 4 अगर ऐसे रहेगा तो ये दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा फर्स्ट फ्रैक्शन 7/4 + 4/4। अगर हम पूरा भी कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे 7/4 + 1 आएगा, फिर हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या एलसीएम लेना पड़ेगा, तो हम ये फॉलो करेंगे। सो यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर 4 है, 7 + 4 ऐड करेंगे 11/4, सो ऑप्शन 4 इज़ द आंसर। आप ऐसे करेंगे तो भी आपको ऑप्शन टू इज द करेक्ट आंसर, 11/4। आप ये मेथड यूज़ करेंगे, आपका कैलकुलेशन करेक्ट रहेगा तो भी आपको 11/4 आएगा, ये जैसे मैंने किया है तो भी आपको 11/4 आएगा, सो ऑप्शन टू इज द करेक्ट आंसर। 74. केरला एक्सप्रेस स्टार्ट्स एट 4:10 इन द मॉर्निंग फ्रॉम नागपुर एंड रीचेस तिरुवनंतपुरम एट 14:15, यानी कि आफ्टरनून 2:15 नेक्स्ट डे। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू ट्रैवल फ्रॉम नागपुर टू तिरुवनंतपुरम? तो 4:10 इन द मॉर्निंग स्टार्ट हो गया है, अगले दिन दोपहर के 2 बजे आफ्टर 2:15 पे तिरुवनंतपुरम पहुंचता है। तो 4:10 से अगला दिन सुबह के 4 hours 10 minutes को 24 hours हो गया है। अब ये जो 14:15 है इसमें से हम अगले दिन के 4 और 10 को माइनस करेंगे, इसको ये जो 24 hours है ये हम प्लेस करते हैं, तो ये हो जाएगा 34 hours 5 minutes, सो ऑप्शन वन इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75। इन सरस्वती विद्यालय 24 पैकेट्स ऑफ मिल्क हैविंग ईच 500 ml ऑफ मिल्क वॉज बॉट एंड वॉज हीटेड, इट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली एमंग 60 स्टूडेंट्स, फाइंड हाउ मच milliliter of milk was given to each student. अब पहले हम टोटल कितने मिल्क परचेज किए हैं वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो 24 पैकेट्स इंटू 500 ml, ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 4 = 20, 5 × 2 = 10, 10 + 2 = 12, तो ये हो गया है 12,000 milliliter। चारों ऑप्शन जो है वो मिलीलीटर में दिया है तो ये हम ऐसे ही रहने देते हैं। अब इट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली एमोंग 60 स्टूडेंट्स, 6 × 2 = 12, ये दो जीरोस, सो आंसर आएगा 200 milliliter, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 75। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो मेरा आपको पसंद आ गया है, अगर पसंद आ गया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।